चेयर योगा आसन फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट। नमस्ते, मैं सीमा मुक्त योगा में आपका स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस वीडियो में मैं दिखाने जा रही हूँ चेयर योगा पोज। चेयर योगा पोज एक बहुत ही आसान और सही तरीके से किए जाने वाले पोज है, जो है मधुमेह के लिए। मधुमेह यानी डायबिटिक पेशेंट जिनके लिए ये आसन बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। और ये आसन वही लोग कर सकते जो नीचे नहीं बैठते हैं, वो लोग चेयर पे बैठ के अपने आप को आराम से इस आसन को ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्लो डीप ब्रीथिंग से। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक पतला कुशन होगा, उस कुशन को अपने पैरों के नीचे रखिए ताकि आप अपनी कंफर्टेबल पोज ले सके चेयर पे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्लो डीप ब्रीथिंग। स्लो डीप ब्रीथिंग मीन्स कि आपको एक लंबी गहरी सांस लेनी है और धीरे से सांस बाहर छोड़नी है, और सांस लेना और छोड़ना दोनों ही आपके नाक के द्वारा होगा। टेक्निक आपके कार्डियोवैस्कुलर मसल्स में ताकत बढ़ाने का काम करते, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल और बैलेंस करने का काम करते, ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ाता है, स्ट्रेस लेवल को रिलीज करने का काम करता है। इसके बाद हम करेंगे साइड ट्विस्टिंग 10 times राइट साइड और 10 times लेफ्ट साइड। ये दोनों पोजिशन को यानी राइट और लेफ्ट साइड दोनों पोजीशन आपके प्रॉपर होने चाहिए। साइड ट्विस्टिंग यानी अगर एक लंबी गहरी सांस लेनी है बीच में और साइड में जाते हुए सांस बाहर छोड़नी है, और कमर से एक अच्छी ट्विस्टिंग लेनी है आपको। यह ट्विस्टिंग जब हम ट्विस्ट पोज करते हैं तब हमारे उदर के डाइजेस्टिव सिस्टम पर यानी उदर यानी हमारा पेट, उसके अंदर जो सिस्टम है जितने भी डाइजेस्ट सिस्टम को एक इम्प्रूव करने का, हेल्दी बनाने का काम करता है ट्विस्टिंग। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, मसल्स के अंदर का टेंशन रिलीज करने होने में मदद मिलती है, इंटरनल डिटॉक्स होने में भी मदद मिलती है, बैक पेन को रिलीव करने के लिए भी हेल्प होती है। इसके बाद हम करेंगे एल्बो मूवमेंट नी टच। यहाँ पे आपको दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है सांस लेते हुए, और एक्सेल करते हुए दोनों हाथों के एल्बो जो है कुनिया वो आपको अपने घुटने के ऊपर रखने हैं, घुटने तक लाना ही है ताकि आपके बैक पे जैसे आप आगे झुकते हो तो बैक पे एक अच्छा स्ट्रेच मिलता है, और जैसे ही दोनों हाथ सांस लेते हुए ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हैं तो नाभि से लेके आपके छाती तक गले तक एक अच्छा स्ट्रेच आपको मिलता है, जो आपको इंटरनल ओपनिंग में हेल्प मिलती है। तो लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ यानी आगे की तरफ झुक जाना है, दोनों हाथों के एल्बो प्रॉपरली नी तक टच करने की कोशिश करें। आउट। ये प्रक्रिया जो है वो आपको 10 times करनी है। लंबी गहरी सांस लेनी है और एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को रिलीज करना है, और हर एक आसन के बाद आपको कम से कम 5 to 10 seconds रिलैक्स करना है। एल्बो साइड ट्विस्टिंग। यह ट्विस्टिंग आपके पेट से प्रॉपर होनी चाहिए। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, आपका जो लेफ्ट हैंड एल्बो है वो आपके राइट लेग नी को टच होना चाहिए, तो एक अच्छी ट्विस्टिंग आपको आपके उदर से मिलती है। ब्रीथ इन एंड एक्सेल लेफ्ट साइड, इन एंड आउट राइट साइड, दोनों साइड में 10 times आपको करना है। यह पोज बहुत ही अच्छी है, एक ट्विस्टिंग जो मिलता है हमें हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन से, जिसमें ब्लड शुगर बैलेंस करने में भी आपको हेल्प मिलती है इस पोज से। एक बहुत ही अच्छा आसन है, बहुत ही अच्छी पोज है, जो आपको ट्विस्टिंग फुल ट्विस्टिंग में एक ट्विस्टिंग का जो असर होता है, जो इफ़ेक्ट होता है, वो हमें इस टाइप के आसन से मिलता है। एक्सेल ब्रीथ इन सेंटर, आउट साइड ट्विस्ट। ब्रीदिंग पैटर्न हमेशा याद रखिए, ब्रीदिंग करते हुए रिलैक्स एंड एक्सेल करते हुए ट्विस्ट करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ आसन नहीं, आसन के साथ साथ आपके ब्रीदिंग को भी आपको ध्यान में रखना है, एंड रिलैक्स रिलैक्स फॉर 5 to 10 seconds। नेक्स्ट पोज है हमारा फॉरवर्ड बेंड।
फॉरवर्ड बेंड पूरी तरह से दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर की तरफ लीजिए और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे और पूरी तरह से पूरा बॉडी अपर बॉडी जो है आपकी आगे की तरफ झुकी हुई। पेट को दबाना है अपने थाइस पे, इन एंड आउट, इन एंड आउट। प्रॉपर ब्रीदिंग करते रहिए, डीप ब्रीथ इन एंड डीप ब्रीथ आउट। फुल एनर्जी के साथ शरीर में एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचरण करते हुए आपको इस पोज को करना है। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल। ध्यान रखना है इस पोज को हमें 10 टाइम्स करना है। इन एंड आउट काउंट 1 टाइम एंड रिलैक्स। अगर इस पोज में अगर आप अपने आप को होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए 5 सेकंड एंड सांस लेते हुए ऊपर आइए और उसके बाद धीरे से अपने पेट को ढीला छोड़िए, चेस्ट को ढीला छोड़िए और रिलैक्स कीजिए। अगला आसन है सिटिंग गरुड़ आसन। 10 टाइम्स हमें करना है। गरुड़ आसन के लिए आपके दोनों हाथ साइड में खोल दीजिए और एक दूसरे के अंदर लॉक कीजिए। पैर को पैर के ऊपर रखना है, हाथों को एक दूसरे के अंदर लॉक करना है। इस पोज से गरुड़ आसन, यह पोज आपके कंधे पीठ पे एक अच्छा काम करते हैं, शोल्डर मसल्स को रिलीज करने का काम करता है, शोल्डर और बैक को मोबिलिटी देने का काम करता है, आपकी एकाग्रता कंसंट्रेशन बढ़ाने का काम करता है। जब आप इस पोज में आते हो तो आपका फोकस सामने अपने हाथों के उंगलियों के ऊपर जो सामने यानी एग्जैक्ट आपकी आंखों के सामने जो थंब खुलता है उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। और ये एक बहुत ही अच्छा आसन है, जब स्टैंडिंग आसन करते हैं तो एक बैलेंसिंग आसन बन जाता है, बट आपके शोल्डर के लिए और कंधे के लिए सबसे बेस्ट आसन इस गरुड़ आसन। एंड देन रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सिटिंग मंडुका आसन 10 टाइम्स। सबसे बेस्ट आसन है मंडुका आसन मधुमेह के लिए। अपने हाथों की ब्रह्म मुद्रा बनाइए यानी थंब को अंदर लॉक करना है पाम के अंदर और चारों उंगलियों से थंब को प्रॉपरली लॉक कीजिए और अपने नाभि के साइड में इस मुद्रा को लगाइए और सांस लीजिए और एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ झुक जाइए। फिर से इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आपको नीचे की तरफ आना है। पेट को अच्छे से दबाना क्योंकि यह आसन आपके पैनक्रियास के ऊपर काम करता है। पैनक्रियास के ऊपर काम करना मतलब आपके आप इंसुलिन नाम का जो हॉर्मोन्स है उस शुगर को बैलेंस करने का काम करता है, उसे आप बैलेंस करने में आपको हेल्प मिलती है। पेट के सारे ऑर्गन्स में मसाज करता है, पैनक्रियास को एक्टिव करने में आपको हेल्प मिलती है, शुगर को बैलेंस करने में और कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। एक्सहेल, प्रॉपर पेट को अंदर दबाइए, इन एंड आउट। पर ध्यान रखना है कि आपके छाती तक जो पेट दबा रहे हो उसका प्रेशर आपके छाती तक ना आए, इसलिए हमें हमारा फेस जो है हल्का सा ऊपर रखना है ताकि छाती भी थोड़ी ऊपर रखे ताकि उसका पेट दबाया हुआ का प्रेशर आपके छाती तक ना आए। हाई ब्लड प्रेशर वाले इसे संभाल के करें। एंड देन एक्सहेल, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। रिलैक्स में आप अपने पेट को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए, आइज क्लोज एंड रिलैक्स फॉर टेंस। अर्ध पवन मुक्तासन, इसके लिए आपको सबसे पहले अपना राइट लेग ऊपर उठाना है, घुटने से मोड़ते हुए और चिन को टच करते हुए और एक्सहेल करते हुए नीचे रखना है। फिर से इनहेल एंड एक्सहेल करते पैर उठाना है, चिन को घुटने को लगाना है और इनहेल करते हुए पैर नीचे रखना है। इसी तरह से आपको राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड में करना है। इनहेल अगेन लेग ऊपर, एक्सहेल इनहेल लेग डाउन, अगेन एक्सहेल राइट लेग ऊपर, इनहेल लेग डाउन। पवन मुक्तासन, यह आसन हमारे उदर के अंग यानी एब्डोमिनल ऑर्गन्स में अच्छा मसाज देने का काम करता है। यह आसन से हमारे डाइजेशन से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम दूर होने में हमें हेल्प मिलती है, कॉन्स्टिपेशन के भी समस्याएं दूर होती है,
हिप जॉइंट में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। यह आसन आप मैट पे भी प्रॉपर कर सकते हैं और चेयर पे भी बैठ के आप आराम से इस पोज को कर सकते हैं। जो मैट पे बेनिफिट मिलते हैं वही बेनिफिट्स आपको चेयर पे मिलते हैं। एक यह भी एक मंडूकासन की तरह एक बहुत ही अच्छा आसन है जो मधुमेह के लिए, क्योंकि ये आपके उधर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम हैं वो आपको पूरी तरह से उस समस्या को दूर करते हैं। देन रिलैक्स। सिटिंग नौकासन यानी नवासन बोट पोज 10 times हमें करना है। नवासन में धीरे से अपने दोनों पैर ऊपर की तरफ खींचिए और एक्सहेल करते हुए रिलैक्स कीजिए। इनहेल करते हुए दोनों पैर ऊपर लेने हैं और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करना है। फिर से इनहेल कीजिए। आप देख सकते हैं कि चेयर पे मैंने किस तरह से पोज ली है, वैसे ही आपको भी चेयर पे बैठ के पोज लेनी है। हाथों को पीछे लेके जाइए, बेंड कीजिए एल्बो एंड एल्बो को बेंड करके पैर स्ट्रेट लेने हैं और एक्सहेल करते हुए रिलैक्स करना है। यही पोज मैं आपको अभी यहाँ पे साइड पे दिखा रही हूँ ताकि आपके अंदर एक अच्छी क्लैरिटी आ जाए। साइड में देखिए, आप देखते हैं पर साइड में हमारा चेयर सिटिंग पोज जो होता है वो परफेक्ट होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए। कहीं पर भी रॉन्ग पोज नहीं लेनी है चेयर पर। स्पाइन को सीधा रखिए, दोनों पैर ऊपर, एक्सेल करते हुए रिलैक्स। नौकासन हमारे बैक और एब्डोमिनल मसल्स में ताकत देने का काम करते हैं। स्टेमुलेट होती है किडनी, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पैनक्रियास। ओवरऑल सारे आसन जो है बहुत ही हेल्पफुल है हमारे पेट के लिए, पैनक्रियास के लिए, सारे उधर के जितने ऑर्गन्स हैं सारे ऑर्गन्स के लिए ये सारे आसन बहुत ही हेल्पफुल है। तो इन सारे आसनों की प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए, देन रिलैक्स। डायफ्राम टैपिंग इट एक टैपिंग थेरेपी है एज अ इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। योर टैपिंग कैन रिड्यूस द स्ट्रेस एंड निगेटिव इमोशंस, बाहर निकालने में हमें मदद मिलती है। जब हम भामरी प्राणायाम के साथ इस टैपिंग को करते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे उस एरिया में आती है जहाँ पे हम टैपिंग करते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे हम डायफ्राम टैपिंग कर रहे हैं, यानी डायफ्राम से लेके नेवल तक टैपिंग हो रही है, तो उस एरिया में एक एनर्जी का एक पूरा अच्छा प्रभाव पड़ जाता है। पूरे अंदर के सारे ऑर्गन्स एक्टिव होने में हमें हेल्प मिलती है। निगेटिव एनर्जी पूरी तरह से बाहर पड़ने में हमें हेल्प मिलती है। कंटिन्यूस कीजिए और भामरी प्राणायाम के साथ, यानी इन एंड अम रिलैक्स। पूरा फोकस अपने पेट पे लगाइए, डायफ्राम पे लगाइए एंड रिलैक्स। स्लो कपालभाति क्रिया। स्लो कपालभाति क्रिया यह मधुमेह के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है जो शरीर के शुद्धिकरण के लिए हमें हेल्प होती है। मूलाधार से लेके सहस्रार तक आप अपने शरीर से जुड़ जाते हो। इनरली आपकी सांसें जुड़ जाती हैं पूरी तरह से, नाभि से लेके ब्रेन तक। धीरे सांस लेनी है और सिर्फ सांस छोड़ने पे ध्यान देना है यहाँ पे। और धीरे धीरे, जैसे आप देख सकते हो कि मैं एकदम हल्का स्ट्रोक लगा रही हूँ हम अपने एब्डोमल में। बहुत ज़ोर से कपालभाति नहीं करनी है यहाँ पे, क्योंकि कपालभाति जब हम स्लो करते हैं तो हम हमारे ब्लड प्रेशर को बैलेंस करते हैं, नॉर्मल करते हैं। स्लो कपालभाति क्रिया ब्लड प्रेशर को बैलेंस और नॉर्मल रखने में हमें हमेशा हेल्प होती है। भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। सांस लेना और छोड़ना दोनों एक जैसे होने चाहिए, एक ही लेवल पे होने चाहिए। जितनी लंबी गहरी सांस ली है उतना ही फोर्सफुली एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ नीचे लाने। भस्त्रिका प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम जो हमारे शरीर में इंस्टेंट एनर्जी भर देता है। शरीर के अंदर के स्ट्रेस, इंसोम्निया की प्रॉब्लम दूर होने में हेल्प मिलती है। ब्लड का सर्कुलेशन
प्रॉपर होने लगता है। यह प्राणायाम करने के बाद कम से कम 5 से 10 सेकंड रिलैक्स। ओमकार योग अभ्यास का आखिरी क्रम है ओमकार। ओम आपके मन को शांत करता है। इट हेल्प यू कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ, अंदर अपने आप को जोड़ लेता है। लंबी गहरी सांस लेनी है। रिलैक्स एंड रिलैक्स, एकदम शांत बैठे रहे 10 सेकंड। धीरे से अपने दोनों हाथों की हथेली को रब कीजिए और अपने चेहरे पे घुमाइए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। ब्लेस यू। थैंक यू।